नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दिन भर के जो मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें हैं, फटाफट अंदाज में आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। तो वही दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से किसान आंदोलन के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही काले कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोग यूपी के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी का खुलकर के समर्थन करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर जोरदार हमला, कहा रोजगार के लिए हानिकारक है मोदी सरकार। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से बेरोजगारी दर लगातार तेजी से बढ़ रही है। हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों से यह जानकारी सामने निकल के आई है कि अगस्त महीने में यहां पर 15 लाख लोगों ने अपनी नौकरी से हाथ धोया है। अब इस मामले में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए जोरदार हमला किया है। बढ़ती बेरोजगारी को लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि मोदी सरकार रोजगार के लिए हानिकारक है। वे किसी भी प्रकार के मित्रहीन व्यवसाय या रोजगार को बढ़ावा या सहारा नहीं देते, बल्कि जिनके पास नौकरी है उसे भी छीनने में लगे हैं। ये लोग देशवासियों से आत्मनिर्भरता का ढोंग अपेक्षित है, जनहित में जारी। ये यहां पर बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को घेरा है। दोस्तों, एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। किसान आंदोलन की गूंज देश भर में सुनाई पड़ रही है। छत्तीसगढ़ में भी उबाल भारत बंद की जबरदस्त तैयारी। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को रद्द कराने समेत अन्य मांगों को लेकर के जारी किसान आंदोलन का 26 सितंबर को 10 महीने पूरे हो जाएंगे। इसके साथ ही किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए भारत बंद को 25 सितंबर को 1 साल पूरा हो जाएगा। आंदोलन के इन दिनों में केंद्र की मोदी सरकार और हरियाणा राज्य की खट्टर सरकार ने किसानों की मांग मानने की बजाय क्रूरता का परिचय दिया है, जिसके खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसे छत्तीसगढ़ में सफल बनाने का आह्वान किया गया है और जबरदस्त समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है किसानों के द्वारा बुलाए गए भारत बंद को देश भर से। एक और बड़ी खबर बताते चलें। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी आदित्यनाथ को लगा है तगड़ा झटका। हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं ने थामा है आरएलडी का दामन। खबर दोस्तों शामली से है, जहां पर आरएलडी की एक बैठक हुई है, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने आरएलडी की सदस्यता ग्रहण की है। आरएलडी के प्रदेश सचिव ऋषिराज रजत ने कहा है कि प्रदेश में किसान और युवाओं की हालत आजादी के बाद कभी भी इतनी खराब नहीं हुई है, इसके लिए वर्तमान भाजपा सरकार ही दोषी है। युवा सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं, किसान सड़कों पर हैं और दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उनकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। ये यहां पर आरएलडी के नेता भड़के हैं। यूपी की योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार पर देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका लगा है। कई कार्यकर्ताओं ने थामा है आरएलडी का दामन। एक और बड़ी खबर बताते चलें। पेट्रोल डीजल और एलपीजी के दाम पर आंदोलन करेगी कांग्रेस। सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में बनाई है कमेटी। आप लोगों को बताते चलें, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दाम समेत तमाम राष्ट्रीय मुद्दों पर देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस लगातार आंदोलन चलाएगी। इसके लिए कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार आंदोलन चलाने के लिए योजना बनाएगी। इस समिति में कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी, सांसद उत्तम कुमार रेड्डी, राज्यसभा के सदस्य रिपुन बोरा, मनीष चतरथ और बीके हरि प्रसाद शामिल हैं। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरेगी और मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगी और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों का यहां पर जबरदस्त विरोध करेगी कांग्रेस। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। 15 दिन में 50 रुपए बढ़े एलपीजी के दाम। भूपेश बघेल बोले, स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी रोड पर सिलेंडर लेकर के कब बैठेंगी। देश में बढ़ रही महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश से गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई कम करने के दावों पर हमला बोला। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के द्वारा रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी किए जाने का मुद्दा उठाया। दरअसल 15 दिनों में सरकार के द्वारा रसोई गैस की कीमतों में 2 बार इजाफा किया जा चुका है। 15 दिनों के अंदर रसोई गैस 50 रुपए महंगी हो गई है। अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा की नेता स्मृति ईरानी और हेमा मालिनी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोग हेमा मालिनी और स्मृति ईरानी को खोज रहे हैं कि वे कब सड़कों पर गैस सिलेंडर लेकर के बैठेंगी, क्योंकि आए दिन गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ाए जा रहे हैं।
इन लोगों ने चुप्पी साधे रखी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि देश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, सरकार को महंगाई कंट्रोल करना नहीं आ रहा है। इसके विपरीत मोदी सरकार देश की सरकारी संपत्तियों को लगातार बेचने का काम कर रही है, जिसका हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना लगा करके निर्माण किया था। यह सरकार नया निर्माण कुछ भी नहीं कर रही है, बल्कि देश के पास जो भी सरकारी संपत्तियां हैं उनको बेच डाल रही है। गौरतलब है कि भाजपा की नेता स्मृति ईरानी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले तत्कालीन यूपीए सरकार पर महंगाई बढ़ाने के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। उस दौरान स्मृति ईरानी पेट्रोल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों का विरोध करने के लिए सड़कों पर धरना देती हुई नजर आती थी। आज जब मोदी सरकार ने लगातार महंगाई बढ़ा करके लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है, तब भाजपा के सभी नेता मौन धारण किए हुए हैं। देश में बढ़ रही महंगाई का विरोध यहां पर कोई भी बीजेपी का नेता नहीं कर रहा है, बल्कि बीजेपी नेताओं के द्वारा अजीबोगरीब बयान दिए जा रहे हैं। ये यहां पर जबरदस्त हमला किया है भूपेश बघेल ने स्मृति ईरानी पर। एक और अपडेट आ रही है सामने दोस्तों, कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर जोरदार हमला। बोले हाई कमान को खुश करने के लिए किसानों पर हो रहा है लाठीचार्ज। आप लोगों को बताते चलें, हरियाणा से राज्यसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर के निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा सरकार किसानों की आवाज को कुचलने के लिए बल प्रयोग कर रही है। उन्होंने कहा है कि खट्टर सरकार सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। दीपेंद्र हुड्डा ने तल्ख के शब्दों में कहा है कि मैं उन अधिकारियों को कहना चाहता हूं जो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे आदेश दे रहे हैं, उन्हें लिख करके देता हूं सरकार आनी जानी है। सरकारें बदलेंगी, अगर वो संविधान और लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ते रहे तो उनको अपनी शब्दावली का हिसाब किताब देना ही पड़ेगा और उनको इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। सरकार तो आज नहीं तो कल बदलनी ही है, ये यहां पर कहना है दीपेंद्र हुड्डा का। और भड़के हैं खट्टर सरकार से लेकर के मोदी सरकार पर किसानों के मुद्दे पर। एक और अपडेट आ रही है सामने, तबलीगी जमात पर कवरेज को लेकर के बोले हैं सीजीआई रमन्ना, खबरों को सांप्रदायिक रंग दिया जाता है, इससे देश की बदनामी होती है। आप लोगों को बताते चलें, भारत में फैली कोरोना महामारी की पहली लहर के दौरान दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से तबलीगी जमात के सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से देश भर में हड़कंप मच गया था। इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने भारत की मीडिया के द्वारा तबलीगी जमात को लेकर के की गई रिपोर्टिंग पर कड़ी टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि खबरों को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, जिससे देश की बदनामी होगी। सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि तबलीगी जमात को लेकर के रिपोर्टिंग के दौरान आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, इसके साथ ही गलत रिपोर्टिंग भी की गई। उनका कहना है कि वेब पोर्टल्स किसी के नियंत्रण में नहीं है, ऐसे पोर्टल्स जो चाहे चला देते हैं, उनकी कोई भी जवाबदेही नहीं है। और वहीं सीजीआई एनवी रमन्ना ने आगे कहा है कि देश का मीडिया नफरत घोलने का काम कर रहा है लोगों के बीच में, और वहीं से पहले इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा कड़ा रुख दिखाते हुए कोरोना महामारी के दौरान तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाए जाने की बात तक कह दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले में देश के मीडिया के द्वारा की गई कवरेज को प्रोपेगेंडा बताते हुए इसकी जमकर के आलोचना की थी। देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई एनवी रमन्ना भड़के हैं जबरदस्त तरीके से कोदी मीडिया पर। एक और बड़ी खबर आ रही है सामने, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने साधा है केंद्र पर निशाना। कहा कांग्रेस ने जो भी 70 वर्षों में बनाया भाजपा उसको बेच रही है। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में लाई गई संपत्ति के मौद्रीकरण की योजना पर निशाना साधा है और कहा है कि कांग्रेस ने जो 70 वर्षों में बनाया है बीजेपी उसे बेच रही है। खेड़ा ने आगे कहा है कि यदि इसे नहीं रोका गया तो पूरी पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने संपत्तियों की क्लियरेंस सेल लगा दी है, क्योंकि उसके लिए देश का कोई भी महत्व नहीं है और देश की सारी संपत्तियों को बेच करके ये झोला उठा करके चल देंगे। ये यहां पर जोरदार हमला बोला है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर। दोस्तों इस समय की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड बीडीबी के माध्यम से। इन खबरों को लेकर के आप लोगों की क्या कुछ राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।